डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं 9th क्लास के लिए मैथ सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि 9th क्लास में जो मैथ हम लोग फॉलो करते हैं वो एनसीईआरटी बुक को फॉलो करते हैं, और एनसीईआरटी में अभी तक के जो हम लोगों ने पढ़ा वो एक्सरसाइज 1.5 तक के क्वेश्चन को डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूँ। यानी कि 1.5 एक्सरसाइज के क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन कर दिया है, आप इन चीज़ों को सीख भी पाए होंगे। आइए अब हम लोग आते हैं, क्योंकि ये इनका एक्सरसाइज 1.5 का कर लिया मैंने, तो अब आइए हम लोग एक्सरसाइज 1.6 जो है उसके लिए कुछ थ्योरी सीखते हैं। सही सुन रहे हैं आप, थ्योरी। अब इस थ्योरी में हम लोग पढ़ेंगे क्या? अब आपको लग रहा होगा कि हम लोग तो 1.5 एक्सरसाइज को ख़त्म कर लिए, तो डायरेक्ट अब हम लोगों को 1.6 एक्सरसाइज चलना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन साथियों, ऐसा नहीं है। आपको पहले 1.6 एक्सरसाइज तभी आपको समझ आएगा जब आप अभी जो थ्योरी हम बता रहे हैं इन चीज़ों को आप सीख लीजिएगा फिर भी। यानी कि ऐसे कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि जो एक्सरसाइज 1.6 में क्वेश्चन है ना, वो कुछ लॉ पे डिपेंडेंट हैं, कुछ उनके लिए अलग रूल्स हैं, उनको आप अप्लाई करना सीखेंगे तभी 1.6 समझ में आएगा। तो इसमें सबसे पहले हम लोग सीखेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंशियल, ठीक है? यानी कि एक्सपोनेंशियल के लॉ को हम लोग सीखेंगे। जरा अब हम लोग सीखते हैं कि एक्सपोनेंशियल क्या है, ठीक है? ये बातें समझ नहीं आती है कि हम लोग एक्सपोनेंशियल कहते किसको है। तो एक्सपोनेंशियल का मतलब आप बहुत बार आप पावर और बेस देखे होंगे, जैसे हम लिख कर दिखाते हैं इधर खाली जगह में। अगर कोई बोलता कि 2 है और 2 के पावर 3 है, तो जब अगर ऐसा कुछ होता है आप पढ़ते क्या है, 2 के पावर 3। लेकिन 2 क्या है, 2 एक तरीके का बेस है, ठीक है? और 3 को क्या बोलते हैं हम लोग, 3 को पावर बोलते हैं, ठीक है? इसको पूरा मीनिंग ये हुआ कि 2 के पावर में कितना है, 3, और जिसके पावर रहता है तो उसके नीचे वाला को बोलते हैं बेस। यहाँ बेस क्या है, 2, पावर क्या है, 3। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, 2 के पावर 3, ऐसे ही ना पढ़ते हैं। और 2 के पावर 3 का वैल्यू का मतलब ये हुआ कि 2 × 2 × 2 मतलब 8, ठीक है? अगर वैसे ही सवाल हम पूछें 8 के पावर 10 है, 8 के पावर अगर 10 है, तो यहाँ पे बेस क्या होगा, तो नीचे वाला बेस है, यानी कि बेस के जगह पे 8 और पावर के जगह पे 10, ठीक है? तो अब हम लोग लॉज ऑफ एक्सपोनेंशियल में ऐसे ही कुछ पढ़ने वाले हैं कि अगर कोई पावर और बेस का कोई डिजिट रहे, पावर में रहे, बेस में रहे, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड में रहे, तो उसको कैसे हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है? तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंशियल का जो पहला रूल है, जरा अच्छे से समझिएगा इन चीज़ों को, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है ये क्लास। अगर इन चीज़ों में प्रॉब्लम हुआ, समझो 1.6 में आपका प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। पहला रूल क्या बोलता है, अगर x के पावर m रहे, जहाँ पे x को बोलेंगे बेस, m को बोलेंगे पावर, इनटू में रहना चाहिए, फिर से x और पावर इस बार n रहना चाहिए, तब अगर ऐसा सवाल रहेगा तो अब क्या करेंगे इसका सॉल्यूशन, x के पावर में m और n को ऐड कर देंगे। अब ये चीज़ आपको समझ के बाहर चला जाएगा कि सर ये चीज़ आपने क्या बताया, हमें समझ नहीं आया। आप चीज़ों को एग्जाम्पल से समझो। हम क्या बोले, देखिए ये फार्मूला क्या बोल रहा है कि x के पावर m, जैसे मान लिया 3 के पावर 8 कुछ भी हो,
और वो चीज़ें इनटू में होना चाहिए, और दोनों का बेस, यहाँ पे भी बेस एक्स है लेकिन पावर एम है, यहाँ पे भी बेस एक्स है पावर एन है। इसका मतलब हम लोग ये सीखे कि अगर बेस सेम रहे, पावर अलग अलग रहे और इनटू में रहे, जैसे यहाँ पे बेस 3 है पावर 8 है, तो अब की बार हम बेस 3 पावर 10 ले सकते हैं। तो आपको याद रखना होगा कि अगर बेस सेम रहे, पावर अलग अलग रहे और इनटू में रहे, तब हम इसको क्या करते हैं, जो सेम सेम बेस है, तीन तीन सेम है तो तीन ही लिखेंगे एक ठो, और जब इनटू में रहता है और पावर में, तो इसको 8 + 10 जोड़ देते हैं, तो इसका वैल्यू 3 के पावर 18 निकल के आंसर आएगा। यानी देखिए, ये फार्मूला इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इस पर न जाने कितने सवाल सॉल्व हो सकते हैं। क्या याद रखना होगा, अगर कोई दो नंबर जिसका बेस सेम रहे, बेस सेम रहे का मतलब एक्स एक्स नीचे रहे, यानी कि दोनों में नीचे वाला वैल्यू सेम रहे, और पावर अगर अलग अलग रहे, जैसे यहाँ पे 5 रहे तो यहाँ 6, यहाँ 10 तो यहाँ 8 है, मतलब पावर अलग अलग रहे और इनटू में रहे, तो हम लोग क्या करते हैं, पावर को ऐड कर देते हैं, पक्की बात। चलिए ये एग्जांपल का ए नंबर क्वेश्चन हुआ, जरा एग्जांपल का बी नंबर देखते हैं। अगर मान लिया 2 के पावर 10 दे देगा और 2 के पावर -3 दे देगा, तब क्या हम लोग रूल लगाएंगे? तो भाई मेरे, कभी भी हम लोग गड़बड़ नहीं होंगे माइनस प्लस देखकर। आप रूल पे आओ कि दोनों क्या है, नीचे वाला सेम सेम है, ऊपर वाला अलग अलग है, और किस में है, इनटू में। तो क्या करते हैं, तो जो नीचे नीचे सेम है उसको लिख देते हैं यहाँ पे, और पावर को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे 10 प्लस ऐड करते हैं और -3 है, तो -3 को ऐड करेंगे, टोटल मिलाकर 2 के पावर कितना हुआ, प्लस माइनस माइनस, तो 10 - 3 यानी 2 के पावर 7। तो कुल मिलाकर हम लोगों ने पहला जो रूल सीखा, पहला रूल क्या था, पहला रूल बहुत इम्पोर्टेंट, कौन सा, कि अगर हम लोगों का बेस सेम रहे, पावर अलग अलग रहे, इनटू में रहे, तो हम लोग एक्स के पावर दोनों को एम प्लस एन करते हैं, ठीक है। चलिए आइए आते हैं दूसरे नंबर पे, रूल पे। दूसरा रूल क्या बोल रहा है, अगर एक्स के पावर में एम रहे और डिवाइड में रहे एक्स के पावर एन, यानी कि दोनों का बेस जो है सेम है, पावर एम है और एक का एन है, डिवाइड है, या फिर इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक्स के पावर एन डिवाइडेड एक्स के पावर एन, राइट, ऐसे भी लिख सकते हैं। तब जो इसका वैल्यू होगा वो कितना होगा, एक्स के पावर एम माइनस एन, ठीक है। यानी कि हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर एक्स के पावर एम रहे और x के पावर n रहे और दोनों किस में रहे, डिवाइड में रहे, देख पा रहे होंगे यहाँ डिवाइड है, या फिर हम ये बोलना चाह रहे हैं कि x के पावर m डिवाइड n, x के पावर n, n के पावर n नहीं है, ये x है, तब अगर डिवाइड में रहता है तो हम लोग पावर में क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, देख पा रहे हैं, माइनस कर देते हैं। तो याद रखिए ये दोनों सेम ही है, कैसे सेम है, जब दोनों का आधार जो है सेम रहता है, पावर अलग अलग रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, और जब दोनों का आधार सेम रहे, पावर अलग अलग रहे, डिवाइड में रहे, तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल माइनस कर देते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल इसका देखते हैं, अगर मान लिया 2 के पावर 4 रहा डिवाइडेड 2 के पावर 3 रहा, तो आप क्या करें, दोनों का सेम सेम है, बेस बेस नीचे वाला को बोलते हैं, बेस सेम है, पावर अलग अलग है और किस में है, डिवाइड में, तो डिवाइड में रहता है तो क्या करते हैं,
माइनस कर देते हैं, एम में से एन को घटा देते हैं, बाद वाला में से पहले वाला, 4 माइनस 3, 2 के पावर 1। यानी कि आपको इन चीज़ों को याद रखना पड़ेगा कि जब एक्स के पावर एम और एक्स के पावर एन इंटू में रहता है तो ऐड कर देते हैं, अगर डिवाइड में रहता है तो क्या करते हैं, इसको माइनस कर देते हैं। चलिए अगले तीसरे नंबर पे आते हैं, यानी कि एक फार्मूला हम लोगों का ये बना, जो फार्मूला बन रहा है उसको घेर दे रहे हैं। आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा कि कब किया जाता है माइनस, कब किया जाता है प्लस। चलिए फिर तीसरे नंबर पे आते हैं, अगर एक्स के पावर एम है और इसके पावर में अगर सिर्फ फिर से अगर एन आ गया, तब एक्स के पावर में एम और एन को गुना करते चले जाते हैं। अब ये चीज़ों को समझना पड़ेगा कि आखिर ये चीज़ें क्या हैं। एग्जाम्पल, अगर मान लिया कि 3 के पावर 2 है, के पावर फिर से 3 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो जो पावर का पावर है ना उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए एक्स के पावर एम है और इसके पावर फिर से कोई एन आ गया, तो हम लोग एक्स के पावर क्या किए, पावर पावर को मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 के पावर 3 दुना का कितना हुआ, 6, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 के पावर 6। अगर मान लिया बी नंबर एग्जाम्पल कि 2 के पावर 4, K पावर 3, K पावर 6। देखिए हम क्या सीखे कि अगर पावर का पावर का पावर रहेगा तो इसको हम लोग क्या करते हैं, जितने भी पावर होते हैं ना उसको गुना कर देते हैं। सबसे नीचे वाला बेस क्या है, 2, तो 2 लिख दिया। अब पावर का पावर का पावर जितना भी रहेगा सबको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 3 × 6, 2 के पावर 72, 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12, 6 × 72, तो इसको हम लोग कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये हम बताना चाह रहे हैं कि अगर इस तरह का रूल पे रहेगा कि अगर पावर का पावर रहेगा तो हम लोग पावर को ही सिर्फ मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो बेस में रहेगा उसको बेस में ही रखना है। तो इस तरीके से हम लोग तीन फार्मूला को सीखे। चलिए आइए आगे आते हैं, अब चौथे फार्मूला को सीखते हैं। अब डिवाइड, अब अगर आप ऐसा बोलेंगे कि सर अगर मान लिया कि एक्स के पावर एम है, एक्स के पावर एम है और इसमें हम ये बोले कि सर प्लस में एक्स के पावर एन है तो कैसे करते हैं, तो प्लस और माइनस का फार्मूला नहीं होता है। ऐसा फॉर्म में सिर्फ और एक्स के पावर एम इंटू एक्स के पावर एन, यानी दोनों तरफ बेस सेम है, आधार अलग अलग है, तो इंटू और डिवाइड का फार्मूला होता है, प्लस माइनस का फार्मूला नहीं होता है। तो आप इन चीज़ों को ज़रूर से ज़रूर जानिए कि ऐसे सिचुएशन में प्लस माइनस रहता है तो कोई फार्मूला नहीं है, वैसे का वैसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे बोला कि सर 2 के पावर 3 है और 2 के पावर 5 है और दोनों प्लस में रहेगा तो कैसे करेंगे, क्योंकि आपने तो सिखाया है कि इनटू में क्या होता है, तो ऐड कर देते हैं पावर को, और डिवाइड में क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। लेकिन सर प्लस में होगा तो क्या करेंगे, भाई इसको कुछ नहीं करना है, इसको वैसे ही का वैसे ही सॉल्व करना रहता है, इसमें कोई रूल्स नियम अप्लाई नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से चलिए अब हम लोग तीन रूल सीख गए थे, अब चौथे रूल्स पे आते हैं। चौथा रूल्स क्या बोल रहा है, अगर एक्स के पावर एम है इंटू वाई के पावर भी एम ही है, तब इसको कैसे लिखते हैं, मतलब बातों को समझिए कि यहाँ पे बोला क्या जा रहा है। बोला ये जा रहा है कि आधार जो है अलग अलग रहे इस बार और पावर जो है सेम है। देख पा रहे होंगे, आधार अलग अलग है और पावर सेम है, तो क्या करते हैं, तो जो आधार अलग अलग है और गुना में है, सबसे पहले आधार को गुना कर लीजिए, और पावर में एम है तो एक ही पावर सिर्फ एम रखिए, यही आपका फार्मूला बन जाता है। अब इस पे क्वेश्चन सॉल्यूशन करके हम दिखाते हैं। चलिए जैसे एग्जांपल में, एग्जांपल का अगर बात किया जाए तो पहला एग्जांपल कुछ इस तरीके से है, अगर मान लिया 2 के पावर 4 दे दिया इंटू 6 के पावर भी 4 दे दिया, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे पावर सेम है, बेस अलग अलग है, 2 है यहाँ बेस में, 6 है और दोनों के पावर 4 है और इंटू में है, तो जब इंटू में रहता है तो इसका रूल ये बोलता है कि 2 और 6 को गुना कर लो आप, 2 × 6, और पावर में दोनों का सेम है तो उसको एक ही बार लिखो, तो यहाँ हो जाएगा 12 के पावर 4 आंसर। देखिए ये वाला फार्मूला अलग है और एक था एक्स के पावर एम इंटू एक्स के पावर एन, इसका फार्मूला में हम लोग पावर को क्या करते हैं,
ऐड कर देते हैं। कब? कि यहाँ पे बेस जो है सेम था, पावर अलग अलग था, इसीलिए यहाँ पे जोड़ना पड़ता है पावर को। लेकिन अगर नीचे वाला अलग अलग हो जाए, ऊपर वाला सेम सेम, तो नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दो और ऊपर वाला को वैसे ही छोड़ देना है। ठीक है, चलिए आइए आगे ते हैं 5वां नंबर पे। तो ये दोनों में हम बताना चाह रहे थे डिफरेंट है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। 5वां में अगर मान लिया, अगर एक्स के पावर एम होता और डिवाइड होता, और वाई के पावर अगर एम होता, समझ में आ रहा है कैसे बोल रहे हैं? कि अगर बेस जो है अलग अलग हो और पावर सेम सेम हो, लेकिन किस में हो? डिवाइड में हो। तो अगर डिवाइड में रहेगा तो एक्स को वाई से पहले आप डिवाइड कर लीजिए, ठीक है, और फिर आप यहाँ पे जो पावर है उसको डाल दीजिए। यानी कि डिवाइड वाला में भी आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो बेस का आप डिवाइड कर लीजिए, बेस मैंने एक्स और वाई का डिवाइड, और जो पावर है उस पावर को वैसे ही छोड़ दीजिए। चलिए जरा इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लिया कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आ गया, 4 के पावर 16 डिवाइडेड बाई 2 के पावर 16, तो यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई करेंगे आप? सबसे पहले आप ये सोचिए कि नीचे वाला तो जो बेस है वो अलग अलग है और पावर सेम है। तो जब पावर सेम रहता है तो हम लोग पहले बेस का क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 4 डिवाइड 2 के पावर कितना, तो पावर में 16 है तो 16, और 2 से कितना बार में कटेगा, 2 बार में, तो 2 के पावर हो जाएगा 16। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही सॉल्यूशन करते हैं। अच्छा, फिर आगे आते हैं एक और एग्जाम्पल पे, बी एग्जाम्पल। मान लिया रहेगा 10 के पावर 18 और डिवाइड में रहेगा 5 के पावर 18। तो बात वही हुआ कि यहाँ पे भी बेस क्या है, 10 है, यहाँ पे बेस क्या है, 5 है। तो दोनों में जो बेस है वो अलग अलग है, लेकिन पावर को देखिए तो दोनों में ही 18 है, यानी कि पावर सेम सेम हुआ और बीच में डिवाइड हुआ। तो हम लोग क्या बोलते हैं, पहले आप जो बेस है 10 और 5 उसको आप डिवाइड कर लो। तो 10 और 5 का मैंने डिवाइड किया, और पावर दोनों का जब सेम है तो पावर एक ही लिखो। तो यहाँ हो जाएगा 5 से कितने बार में कटेगा, 2 बार में, तो यहाँ हो जाएगा 2 के पावर 18। तो इस तरीके से हम लोग इसका कुछ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर अगर बात करते हैं अगले नंबर का, नंबर 6 फार्मूला। 6 फार्मूला क्या बोला कि रूट के अंदर कोई भी अगर वैल्यू रहे एक्स, ठीक है, उसको आप एक्स के पावर 1/2 लिख सकते हो। एक बहुत बढ़िया रूल है और इसको आपको जानना चाहिए, ये पूरी लाइफ में आते रहेगा जब तक आप स्टडी करते रहोगे। यानी कि कोई भी रूट के अंदर कोई भी चीज़ें रहती है उसके पावर को हम तोड़ के, जैसे एग्जाम्पल देखो, आप कभी भी ये सोचो कि अगर रूट के अंदर 5 है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं। तो जिसका रूट रहता है आप उसको लिख लो, और रूट को हटाना चाहो तो पावर में कितना देना पड़ेगा, 1/2। यानी कि ये रूल्स दिया गया लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल में कि कोई भी चीज़ें रूट में रहेंगी आज से आप उसको पावर 1/2 कर सकते हो। ठीक है, अगर मान लिया एक और एग्जाम्पल के अंतर्गत देखते हैं, अगर मान लिया कि 8 के अगर रूट रहा तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं। जिसका रूट रहा उसको लिखते हैं 8 के पावर 1/2। यानी कि किसी भी संख्या का अगर रूट में रहा, ये चूंकि हम लोग घेर दिए हैं, ये फार्मूला के तौर पे है, उसको हम लोग अगर रूट हटाना चाहते हैं तो हटेगा कब, जब पावर उसका 1/2 दे देंगे। जैसे तीसरा एग्जाम्पल और लेते हैं, रूट के अंदर 8 के स्क्वायर है। देखिए आप अच्छा से देखिए, रूट के अंदर क्या है, 8 का स्क्वायर। तो रूट के अंदर जो कुछ भी रहता है, तो रूट के अंदर क्या है भाई, 8 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका पावर कितना देंगे, तो 1/2। देख पा रहे होंगे
ऐसा कर सकते हैं ना हम लोग। अभी हम लोग सीखे कि रूट के अंदर जो कुछ भी होता है उसको लिखो, और रूट को हटाना चाहो तो पावर 1/2 देना पड़ेगा, यानी कि ये 1/2 किस लिए, तो पावर को हटाने के लिए। अब हम लोग एक और चीज सीखे हैं। क्या चीज सीखे हैं भाई? कि अगर किसी का पावर का पावर रहा, जैसे 8 का पावर 2 है और 2 का पावर 1/2 है, तो कोई भी नंबर का अगर पावर का पावर देखते हैं, तो पावर के पावर में हम लोग क्या करते हैं कि उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 × 1/2। अगर किसी भी नंबर का पावर दिखे, हम लोग क्या करते हैं उस पावर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका पावर इसका इसका पावर मल्टीप्लाई कर लिया, जो बेस में उसको वैसे छोड़ दिया, तो 2 से 2 कट गया और सिर्फ बन गया 8। तो हम लोग आज से ये सीखे कि अगर कोई चीज़ रूट में हो तो हम लोग उसका पावर कितना लिख सकते हैं, 1/2। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छी रूल्स है जो आपको आने वाली क्लासेस में आपको हेल्प करेगी। चलिए नेक्स्ट, कितनी नंबर हो गई, 5 रूल्स हो गए ना। चलिए जितना भी रूल्स हुआ होगा, 5 हो या 6 हो या 7 हो, हम लोग आगे अगले रूल्स पे आते हैं, जो कितना नंबर था देख ही लेते हैं, फिर गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि ये पता नहीं चलेगा कि कितना रूल्स हम लोग सीखें। ये 6वीं रूल्स थी, 7वीं रूल्स। सातवीं रूल्स को जरा देखेंगे, कुछ इस तरीके से है। आप क्यूब रूट सीखे होंगे 8th क्लास में। क्यूब रूट को हमेशा कैसे दिखाता है, ऐसे दिखाया जाता है, एक्स, ठीक है। तो अगर कोई क्यूब रूट होता है तो हम लोग एक्स के पावर में 1/3 ऐड करते हैं, ठीक है। यानी कि अगर कोई चीज़ें क्यूब रूट में रहेंगी तो हम लोग उसको कितना लिख सकते हैं, पावर में 1/3। याद रख लीजिएगा कि स्क्वायर में रहता है तो उसका 1/2 टूटता है, लेकिन क्यूब रूट में रहता है उसको पावर 1/3 तोड़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर बात करें, तो अगर आपके यहाँ क्यूब रूट आ गया 35, तो आप 35 का पहले 35 लिख लो और उसके पावर कितना तोड़ेंगे, 1/3, क्योंकि ये वाला 3 है। और क्यूब रूट को हमेशा इसके अंदर में चाहिए हो, देखिए हमेशा इसके अंदर में लिखा होना चाहिए 3, ये बातें ध्यान में दीजिएगा। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, 35 के पावर 1/2। अगर मान लिया ऐसा क्वेश्चन रहेगा 8 के और फिर ऐसे 10, तब कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 10 के पावर कितना, 1/8, क्योंकि इसके अंदर में जो कुछ रहता है वो कहाँ चला जाता है भाई, नीचे चला जाता है।